कहीं ना कहीं मेरा मुकद्दर सोया होगा कहीं ना कहीं मेरा मुकद्दर सोया होगा सायद वो आज मेरे लिए फिर रोया होगा। नमस्कार के, के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय मैं आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेष हार्दिक अभिनंदन करता हूँ वंदन करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ मैं आज पूर्व सरपंच और बीपीसीसी मतलब कांग्रेस के मेंबर है आदरणीय मतीन मोहम्मद मतीन साहब आज उनसे हम रूबरू होते हैं जानते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी नमस्कार सर नमस्कार सर हम जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कब से की है जी मैं जब छोटा था अठवा क्लास में पढ़ता था उसी टाइम से हम बूथ पर पर्ची बांटने का काम करते थे और दरी बिछाने का काम करते थे जी तो उसके बाद आपने सरपंच का चुनाव कैसे लड़ा वहाँ तक सरपंच तक आने में कितना वक्त लगा आपको? मैं पहले वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ा था जी उसके बाद जो है दो बार में वार्ड सदस्य रहा जी उसके बाद में फिर सरपंच का चुनाव लड़ा और सत्रह सौ वोटों okay. से हम सरपंच में जीते थे जी तो सर सरपंच में आप जीते जी. तो आपने क्या क्या काम किया वहाँ पे वहाँ जो स्थानीय समस्याएं होती थी जी। जो समस्या आती थी उस समस्या का हम बखूबी हल क्या करते थे और लोग बहुत ही हमें मानते थे और हम भी लोगों के बीच हर हमेशा रहा करते थे जिसका कारण है कि हमें लोग बहुत चाहते हैं सर ऐसा कौन सा काम था सरपंच के वक्त की आपने नहीं किया और दिल में कसक सी रह गई होगी कुछ ऐसी कामें थी जो नहीं हो सका जैसे कुछ केस को हम चाहते थे कि वो थाना तक नहीं जाए लेकिन चाहते हुए भी वो थाना तक चला गया इससे मुझे मलाल रहा सर आप कांग्रेस में हैं जी तो कांग्रेस क्या लगती है इस विधानसभा में इस बार बहुत अच्छा पोजीशन है पहले भी कांग्रेस का अच्छा पोजीशन रहा 2010 में जब हम चुनाव अकेले लड़े थे कांग्रेस पार्टी तो हमारा वोट अड़तीस हजार मिला था जबकि भाजपा जदयू गठबंधन से हमारे विधायक मान्य भोगत सिंह लड़े थे उन्हें बावन वोट मिला था तो सर क्या लगता है आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर गठबंधन की ही सरकार रहेगी कांग्रेस गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी जी तो सर आप कांग्रेस में हैं तो ऐसी क्या सोच है क्या कांग्रेस करना चाहती है भविष्य में कि आएंगे तो हम ये काम करेंगे क्या सोच है आने वाले भविष्य की कांग्रेस जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है युवा जो सड़क पर भटक रहे हैं छात्र जो आज एडमिशन के लिए भटक रहे हैं जी तरह तरह की उनको परेशानियां हो रही उस परेशानी को दूर करने के लिए कांग्रेस सजा गया और तात्पर रहेगी सर साठ साल आपकी सरकार रही कांग्रेस की सरकार रही तो साठ साल में ऐसी क्या चीजें छूट गई कि अभी भी आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी फिर विकास होगा देखिए हमने जो विकास किया वो आज आपको धरातल पर नजर आ रहा है चाहे वो सिमरिया पुल हो फर्टिलाइजर हो थर्मल पावर हो नवोदय विद्यालय हो उसके बाद बता दीजिए कि कौन सा काम हमारी सरकार के बाद बेगूसराय में हुआ है सर तो ऐसी क्या काम है साठ साल में नहीं हो सके जो अभी भी कांग्रेस कर रही है कि हम करेंगे देखिए देखिए कितने 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 साल 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 में में हो हो जाएगी अगर कोई पूछे कि कितने साल में आपका काम हो जाएगा कितने साल और चाहिए आपको काम कौ, कौ, काम के लिए देखिए जब भी है तो बढ़ता ही जाता है काम के लिए कोई लक्ष्य नहीं होता है कि मैं जो दो साल में काम खत्म हो जाएगा तीन साल में काम खत्म हो जाएगा पहले हमारे भारत में संचार क्रांति नहीं थी राजीव गांधी ने लाने का काम किया इस तरह के बहुत सी योजनाएं लाने का काम किया आईटी दिया सूचना तकनीक दिया तो आज भी जो है हमें लगता है कि जो काम अधूरा रह गया और हमारी सरकार नहीं रहने की वजह से जी। जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया फिर मैं उस काम को आगे करूंगा तो कितने साल में ये खत्म हो जाएगा आपको लग जाएगा कि नहीं इसके बाद कांग्रेस नहीं आएगी पूर्ण विकास भारत का हो गया कितने साल में ऐसा तो? कोई समय बॉन्डेड नहीं होता है कभी भी कोई देश का ऐसा कोई समय बॉन्डेड नहीं होता है चूंकि काम जब हम चाहते चाहेंगे कि पहले हाई स्कूल खोले फिर चाहेंगे इंटर खोले फिर चाहे महाविद्यालय खोलें यूनिवर्सिटी होना चाहिए तो काम का तो लक्ष्य होता है तो सर आज संयोग से पूरा देश पूरा बेगूसराय एक मांग कर रहा है कि दिन दिनकर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए तो कांग्रेस अभी तक नहीं बना पाई आगे क्या लगता है इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ लर रहे हैं और एकदम बनेगा अगर हमारी सरकार बनती है तो इस बार दिनकर यूनिवर्सिटी बेगूसराय में जरूर इससे पहले क्यों नहीं बना इससे नहीं पहले तकनीकी कुछ कारण था जिसके वजह से नहीं बन पाया था हमारे पास कुछ तकनीकी कारण था जिसके वजह से पूर्ण नहीं हो सका था। जी। सर आप अपने भविष्य के बारे में अगर कहें तो आप भविष्य में क्या सोच रहे हैं अपने बारे में देखिए हर आदमी का अपना सपना होता है खाश होता है हम भी चाहते हैं कि राजनीति में आगे बढ़ें और हमने शुरू से काम किया है राजनीति में और आज तक मेरा एक पंचायत है सहीदपुर एह पंचायत जहाँ से कांग्रेस कभी हारी नहीं है जी तो सर सैदपुर से आप रहे हैं जी वहाँ पर कितना विकास आपने किया है और कौन कौन सा काम आपने किया है हमारे माध्यम से देखिए मेरे गांव में पहले प्राइमरी स्कूल नहीं हुआ करते थे प्राइमरी स्कूल मेरे सम, मेरे हाथों समझिए हुआ है जी। उसके बाद मेरे यहाँ एक बहुत भव्य लाइब्रेरी बना है हाई स्कूल जो प्लस टू का दर्जा मिल गया है जी, जी पहले महाविद्यालय नहीं था लेकिन अब महाविद्यालय का भी मिल गया है सर कांग्रेस अगर मान लेते हैं इस विधानसभा में आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है तो आप उसका निर्वहन कैसे करेंगे हम लोग हर हमेशा कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी जात पात लेकर नहीं चलता है वो हर आदमी का विकास करना चाहता है और अगर हमें भी जिम्मेवारी मिलेगा तो हम इसे बखूबी निभाएंगे और सभी आदमी का सहयोग लेकर आज मटिहानी की जनता बहुत आगे है कि ये पंद्रह साल का कुशासन को खत्म करने के लिए बहुत ही आगे बढ़कर हिस्सा ले रही है सर मटिहानी विधानसभा में अगर कहें तो क्या क्या कमियां अभी भी आप देखते हैं आपकी नज़र में है मटिहानी विधानसभा में अभी तक कोई डिग्री महाविद्यालय नहीं है बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं है प्लस टू जो बहुत से हाई स्कूल को प्लस टू करना था वो अभी तक नहीं हो पाया है। और कोई इस तरह का उद्योग धंधा नहीं लग पाया है जो यहाँ के मजदूरों को पलायन रुक सके जी सर आप बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं तो कांग्रेस ने भी कोई ऐसा रोजगार नहीं लगाया सका तो इसके पीछे का कारण क्या है कर... आज भी अगर कहें तो मजदूर बाहर जा रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है देखिए कांग्रेस तो रोजगार लगाया अगर बेगूसराय में रिफाइनरी नहीं होता तो बेगूसराय की पूछ नहीं होती दुनिया में आज बेगूसराय को जाना जाता है तो रिफाइनरी के वजह से जाना जाता है थर्मल के वजह से जाना जाता है फर्टिलाइजर के वजह से जाना जाता है लेकिन फिर भी और होना चाहिए और होना चाहिए क्योंकि रोजगारों की संख्या बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है हमारे छात्र जो रोज शिक्षित हो रहे हैं तो उन्हें काम चाहिए तो इसमें कुछ न कुछ अभी कमी है उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है सर युवा वर्तमान समय में बहुत विडम्बनापूर्ण जिंदगी में जी रहा है तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए हर आदमी ख्वाहिश होता है कि वो आगे बढ़े युवा जो है देश का भविष्य होता है और युवा हमारे आज प्रताड़ित हो रहे हैं वो पढ़ कर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं इसलिए हमारा ये उद्देश्य है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपने सरकार के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे तरह तरह के उद्योग धंधे लगाने का काम करेंगे जिससे हमारे छात्र और युवाओं में उत्साह जगे जी सर वर्तमान समय में कहें तो मजदूर पलायन कर रहा है और किसान भी विनमना युक्त जिंदगी जी रहा है आप भी एक किसान हैं तो किसान बिल पर आप क्या सोच रहे हैं किसान बिल जो पास किया गया है वो मनमानी तरीके से पास किया गया है अहंकारी तरीके से पास किया गया है ये किसानों के हित में नहीं है ये किसानों के विरुद्ध है जी। सर आप वर्तमान नीतीश सरकार पर क्या कहना चाहेंगे ये नीतीश सरकार जिसने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा इस देख लिया आपने कुर्सी कुमारी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते कोई भी हद पार कर सकते कोई भी सीमा पार कर सकते और काम तो कुछ हुआ नहीं बस काम इनका यही हुआ है दलित को महादलित करना महादलित को अति दलित करना बस यही काम हुआ है और सरजमीन पर कोई काम नहीं हुआ है सर आपने दलित महादलित करी तो जातिगत राजनीति कही कहीं ना कहीं बिहार में सर चढ़कर बोलता है तो उसको खत्म कैसे किया जाए देखिए वक्त का तकाजा था जब आरक्षण भी जरूरी था और आज भी आरक्षण मिल रहा है क्या कहना चाहते हैं आरक्षण खत्म कर दें नहीं आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए लेकिन समय की पुकार के हिसाब से समय के अनुसार होना चाहिए अब यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप उसी में लगे रहिए कि दलित को महादलित कहिए उससे क्या फायदा मिला अगर दलित को महादलित कह दिया जाए तो उससे क्या फायदा मिला हर हमेशा ईगो ऊंचा रहना चाहिए सोच ऊंचा रहना चाहिए कि काम का तरीका होना चाहिए क्यों कि हमारे सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, ना कि सिर्फ दलित के सिर्फ महादलित के सिर्फ अग्रा के सिर्फ पिछड़ा के ऐसा करके राजनीति नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए सर आरक्षण खत्म करके एक सिंबॉलिक रूप से दे देना चाहिए कि सभी लोग सामान्य है नहीं आरक्षण खत्म करने की हम वकालत नहीं करते आरक्षण हो लेकिन जो जायज हो किस तरह जैनून हो किस तरह से आर्थिक नीति भी होना चाहिए आरक्षण नीति से कांग्रेस सरकार आरक्षण देगी देश में देखिए हर हमेशा कांग्रेस की सोच रही है कि जो पिछले तबके उसको ऊपर करने के तो जातिगत आरक्षण कहां तक सही है सर उसको खत्म कर देना चाहिए नहीं उसको भी खत्म नहीं करना चाहिए लेकिन समय समय पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए तो समीक्षा का अभी तक कांग्रेस सरकार थी साठ साल से कभी समीक्षा नहीं हुई और आप आने वाले वक्त में कहते हैं चुनाव जीतेंगे फिर समीक्षा करेंगे तो ये कहां तक जाए देखिए कांग्रेस जो किया जी। आज उसी के बदौलत कांग्रेस पहले ही भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बना चुका है आज कोई कहता है रामविलास पासवान या और कोई कहते हैं कि हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे दलित का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस तो बहुत पहले भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बना चुका है कांग्रेस हर हमेशा सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलता है कभी ब्राह्मण को बनाया कभी मुस्लिम को अब्दुल गफूर को भी बनाया है कांग्रेस के पास ये नहीं है कि वो किसी एक जात किसी एक धर्म को लेकर चले वो सभी को लेकर चलना चाहता है तो आरक्षण पर क्या मुद्दा है कांग्रेस का जातिगत आरक्षण या आर्थिक आरक्षण देखिए आपके नियम से क्या आप अगर कांग्रेस पार्टी को एक मिनट के लिए भूल जाए तो आप किस तरह से सोच रहे हैं आर्थिक आरक्षण देखिए आर्थिक आरक्षण भी होनी चाहिए लेकिन जातिगत आरक्षण को भी खत्म अभी नहीं किया जा सकता चूंकि अभी भी उनका ऊंचा उठना बाकी तो सर आप कांग्रेस के एक बड़े पदाधिकारी हैं और कांग्रेस अपनी विचारधारा रखती है अपनी सोच रखती है तो वर्तमान वक्त में कांग्रेस को क्या करना चाहिए वर्तमान सरकार से लड़ने के लिए देखिए ये कांग्रेस हमेशा विपक्ष की भूमिका में अभी है और विपक्ष में जो इसकी आवाज होनी चाहिए वो आवाज अपने स्तर से उठा रहा है जी। और गरीबों के लिए शोषितों के लिए पीड़ितों के लिए दलितों के लिए ये हमेशा आवाज बनकर तैयार रहेगी मटिहानी विधानसभा सर आपका बहुत गहरा नाता है तो मटिहानी विधानसभा में क्या देख रहे हैं इस बार इस बार मटिहानी विधानसभा में जो स्थानीय विधायक हैं उनका जाना तय कौन आएंगे कांग्रेस से कांग्रेस या महागठबंधन चुनाव लड़ेगी नहीं कांग्रेस का यह सीट महागठबंधन से ही चुनाव लड़ेगा लेकिन यह सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी तो क्या लगता है कांग्रेस में जीत रही है हाँ, इस बार निश्चित रूप से जीतेगी सर आप गांव के सरपंच रहे हैं और बड़े फक्र से आपने कहा कि हम कांग्रेस कभी हमारे गांव से हारी नहीं जी। तो कांग्रेस नहीं हारी तो कौन सी वजह थी आपने कौन सा काम किया जिस वजह से कांग्रेस नहीं हारी देखिए कांग्रेस जब विधायक हुआ करते थे तो वो हमारे पंचायत पर बहुत अच्छे ध्यान दिया करते थे सड़कों का हो चाहे वह स्कूल का मामला हो या फिर आपसी सौहार्द का मामला हो हर हमेशा कांग्रेस जो है वहाँ के लिए ध्यान देती रही है जिसके वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता भी कभी कांग्रेस को दरकिनार नहीं किया जी सर आप अपने गांव के बारे में बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने चारों ओर के गांव को देखते होंगे तो आपका गांव कहीं ना कहीं ज्यादा विकासशील दिख रहा होगा पहले था लेकिन जब से ये कुशासन की सरकार बनी है जी। तब से जो है गड़बड़ी आ गया सड़क में गड्ढा नहीं गड्ढे में सड़क तो अभी भी सर कांग्रेस पार्टी ही जीत रही है जेतपुर से जी तो अभी तक क्यों नहीं बदलाव हुआ फिर हमारे विधायक होते तब तो बदलाव होता शहीदपुर से जीत जाने से जी। तो मटियानी का विधायक नहीं हो जाएगा जब जा पूरे विधानसभा से हम लीडिंग पोजिशन में रहेंगे और हमारे विधायक होते उसके बाद अगर हमारा काम नहीं होता तो आप हमसे सवाल करते अगर आज भी कांग्रेस का विधायक होगा जी। तो फिर अच्छा काम होगा सर आपको केवी स्टूडियो आके कैसा लगा बहुत अच्छा लगा केवी स्टूडियो एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा डॉक्टर रोशन सर को मैं जानता हूँ और रोशन सर से मैं परिचित भी हूँ वो भी हमसे परिचित है इन्होंने जो चिकित्सा के अलावा और के भी स्टूडियो के माध्यम से जो जनता को जगाने का काम जो दबे कुचले की आवाज़ को रखने का काम कर रहे हैं इसके लिए मैं आप पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आप हमारे तक आए मेरे लिए सौभाग्य की बात थी और आपको भी आने वाले भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं आप कांग्रेस में हैं आप एक ऊंचे पद पर जाएं, जिससे कि हम लोगों को भी लगे कि हमारे मेहमान आज अपने ऊंचाई पर हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी धन्यवाद